माइक माइक वो और रफीक अहमद मीर साहब प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंडवाड़ा आगे आए और मुझे अभी अभी मालूम पड़ा है कि हमारे बीच सर पहले यहाँ अपने फराइज अंजाम देकर ट्रांसफर किए गए थे लेकिन फिर से इनकी जरूरत एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया और मुख्तलिफ कॉलेज को हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ कॉलेज और क्या हूँ अभी अभी किया मैंने बारे में क्वेरी कर सकता है तो यहाँ पर आने पर आप सभी का डायरेक्टर कैंपस जीएनए यूनिवर्सिटी जालंधर वो भी आज हमारे बीच हैं इस फेस्टिवल में डीडीसी चेयरमैन जनाब इरफान पंडित पुरी साहब को भी एंड आई एम श्योर यू ऑल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस ग्रैंड फेस्टिवल जो है वो तैयारी करके आए हमारे लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करें परफॉर्मेंस आप सब आज यहाँ क्यों हैं ये टोकन ऑफ लव राही मुश्ताक साहब के लिए जी मेरे टोकन ऑफ लव आपके लिए भी सोहेल सोहेल इसके बाद अगला ऑन बिहाफ ऑफ आजाद उनके उस्ताद ये सर्टिफिकेट इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया ईवार करियर काउंसिल सेल परिपुरा ने खुदी के जोर से सज्जाद सर का जिन्हें हम सज्जाद क्वांटम के नाम से जानते हैं जोरदार तालियां हमारे मेंबर रहे हैं इमारत में खुद हूँ इमारत करियर काउंसिल सेल जिसने इन सबको यहाँ पर खड़ा किया था साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड आर्मी इंडियन आर्मी का हम फोर्स थैंक्स कर रहे हैं उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट इसमें किया है और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑलमोस्ट हमें आए थे 20 से ज्यादा कॉलेज आए थे जिन्होंने ऑन स्पॉट हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की थी स्पेशली खालसा ग्रुप ऑफ कॉलेज अमृतसर उसका हम थैंक्स कर रहे हैं उसने ऑन स्पॉट पे ही हमें दो बच्चों को स्कॉलरशिप दिया था 100% फीस वेवर सर जो आज हमारा यहाँ इवेंट था ये इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन करवा रहा था ये और स्पेशली इमार करियर काउंसलिंग सेल परेपोरा और जिसमें जिस इवेंट में हमारे 18 से प्लस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज थे जो डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट स्टेट्स थे जैसे बेंगलोर से आए थे जैसे पंजाब से आए थे जैसे अमृतसर से आए थे जलंधर से आए थे ऑलमोस्ट ये 20+ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज थे यहाँ पर जो आज ये हमारे और सर सबसे इसमें इम्पोर्टेंट मेन बात है कि ऑन स्पॉट बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल गई है और जिसमें दो बच्चे हमने खालसा कॉलेज की तरफ से 100% स्कॉलरशिप उनको फीस ट्यूशन फीस में दे दिए 100% बोल भी सकते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करें श्री इस पर आए और आज के दिन हमारे बच्चों के खालसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुंजन जी के लिए एक ऑप्शन बन सकता है फ्रॉम जीएनए यूनिवर्सिटी आईआईटी कानपुर और आते हैं उसके लिए फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होंगी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या नहीं आए हैं आप इस मौके का पूरा फायदा उठाइए सबसे मिल आसिफ अहद साहब नाम सबने देखे थैंक यू गुरशरणजीत शिवाजी डायरेक्टर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके बाद अब हमारे आदित्य जहांगीर साहब के लिए कश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे इलाके में कोई नहीं आता हमारा कौन है हमें कौन रास्ता दिखाएगा लेकिन ऊपर वाले ने रास्ता दिखा के रखा होता है ऊपर वाला खुद नहीं आता उसने हर किसी काम के लिए बंदे चुने हुए होते हैं कश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है आप सबके लिए ऐसे ही एक शख्स को रब ने चुना है जो आज यहां हमारे बीच है जो आपका रास्ता आसान बनाना चाहते हैं जोरदार तालियों में इसी को पढ़ा
थाने जांगी साहब ने बिग यूनिवर्सिटी उसको कैप्चर किया. दिस इज द कैलिबर ऑफ द पीपल फ्रॉम द कश्मीर फ्रॉम द एरिया ऑफ जे एंड के. यू आर फार फार लॉन्ग फ्रॉम द श्रीनगर. ये यहाँ पे तशरीफ फरमा हमारे मौजूद हंदवारा के जो है वो मौजूद हाजिरी, इसके अलावा इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स, बाहर से तशरीफ फरमा जितने भी कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा के प्रिंसिपल, उनकी टीम और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी दोबारा तैनाती पे यहाँ पे जो इस्तकबाल किया, जिन जज्बात का इजहार किया, मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. ये जो आज का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें बाहर से बहुत से कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं और हमारे सेवन सेक्टर के कमांडर साहब, इसके अलावा सीओ 30RR और हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा और बाकी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, सब ने मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है. ये सभी जितने भी इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये सभी मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं. इन लोगों ने, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने, इनके इन ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदों ने यहाँ के हमारे नौजवान बच्चों के लिए जिस तरह का एक शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है. मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में आज शामिल होने का मौका मिला. हालांकि ये मेरा अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे दोबारा से यहाँ पे जो है वो टेक ओवर किए हुए, ये इब्तदाई प्रोग्राम्स हैं जिसमें मुझे शिरकत का मौका मिल रहा है. मैं कुपवाड़ा की आवाम को, हंदवारा की आवाम को, इस जिले की आवाम को, यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, PRIs को, सिविल सोसाइटी को, सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि जिला इंतजामिया शदोमत के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ दोबारा से यहाँ के आवाम की खिदमत करने में जुट जाएगी. मैं समझता हूँ कि मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुझे दूसरी बार इस जिले में आने का मौका मिला. हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी डिप्टी कमिश्नर को दोबारा भेजा जाता है, लेकिन मैं इसको अपनी खुशकिस्मती जानता हूँ. क्योंकि देखिए, जब आप दोबारा किसी जिले में जाते हैं तो खुद भी जो है वो एक संकोच होता है दोबारा वापस जाने में, और शायद सरकार भी जो है वो बहुत कम इस तरह किसी को वापस भेजती है. तो मैं समझता हूँ कि मुझको एक मौका मिला है दोबारा से इस जिला की आवाम को जो है वो अपनी खिदमत देने का, और यहाँ पे जो पुरानी कुछ यादें मेरी वाबस्ता हैं इस जिले से, उनको दोबारा ताज़ा करने का मौका मिल रहा है. और जो शायद तरक्याती काम उस वक्त हमने इनिशिएट किए थे, यहाँ के सारे वो प्रोजेक्ट्स, वो इनिशिएटिव्स या यहाँ के आवाम के मसाइल, वो सब जो है मुझे अच्छी तरह आज भी याद है. मुझे दोबारा बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है और कौन से इश्यूज को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, कौन से मामलात को प्रायोरिटी पे लेने की ज़रूरत है, वो सब मेरी हथेली पे है. हमारे यहाँ पे जो है वो जो भी मसाइल हैं, हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. दूसरा, मेरे सामने मेरे प्यारे बच्चे बैठे हैं. प्यारे बच्चों, देखिए, तालीम जो है वो एक ऐसा हथियार है जिससे आप सारी दुनिया को मुसक्कर कर सकते हैं. सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है. बच्चों, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है. मैं समझता हूं कि जो कौमें तालीम हासिल करती हैं, वो छोटे छोटे मुल्क, छोटी छोटी आबादियां, उन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया है. तो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है,
हमारे पास आजकल स्पेस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के कई और फील्ड्स हैं। हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे बच्चों को सिर्फ अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। कुपवारा के बच्चे किसी से कम नहीं है, ये हर फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे तालीम का मैदान हो, हर मैदान में अपना लोहा मनवाते हैं। तो मेरी बच्चों से ये दरख्वास्त रहेगी कि तालीम पर पूरा फोकस करिए। और आजकल जो नए नए हमारे पास एवेन्यूज हैं, हमको उन एवेन्यूज को एक्सप्लॉइट करना है। नंबर दो, जिस तरह का आपको यहाँ पे अवेयरनेस दिया जा रहा है आज के इस प्रोग्राम में, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने अवेलेबल है। क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर जो है वो या तो पता होता है कि डॉक्टर बनना है, या तो हमें पता है इंजीनियर बनना है, या पता है आपको बीए बीएससी करना है। तो इसके अलावा भी जो है वो दुनिया बहुत वसी है, आजकल मौके इतने ज्यादा हैं, शायद हमको भी उतनी जानकारी नहीं है। तो ये जो लोग बाहर से आए हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, ये आपको एजुकेट कर रहे हैं, ये आपके सामने बेहतरीन इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वक्त पे आपको इन्फॉर्मेशन मिले। अगर सही वक्त पे आपको सही जानकारी मिल गई तो आपकी काया पलट सकती है, आपकी दुनिया बदल सकती है। तो आज आपको जो है वो इस जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का एक प्रोग्राम है कि आपके पास करियर की क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये एक बेहतरीन मौका है। और मुझे यकीन है कि सारे बच्चे जो यहाँ पे मौजूद हैं वो बहुत सीरियसली सारी चीजों को नोट करेंगे, उनको अपने दिमाग में रकम कर लेंगे और फिर उसके बाद जांचने परखने के बाद अपने इंटरेस्ट एप्टीट्यूड को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसले करेंगे। और उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसको आप चुनने की ख्वाहिश रखेंगे, उसमें आप, मेरी ये दुआ है कि आप आसमान की बुलंदियों को छुए, यही मेरी दुआ है। हमारे सब बच्चे फूले फले, ये जिला शाद रहे, आबाद रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं इस इंस्टीट्यूशन में आता रहूंगा। प्रिंसिपल साहब से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि एजुकेशन की एक्टिविटी को जो है वो बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। प्रिंसिपल साहब से गुजारिश है कि टीचर्स को कहे, क्योंकि 2-3 साल के बाद हम आप दोबारा से जो है फॉर्मल क्लासेस कर रहे हैं, तो टीचर्स अपना क्लास का लेसन जो है वो तैयारी करके आए, हमारे लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करें, परफॉर्मेंस आउटकम्स मैटर करेंगे। और उस एग्जाम में, नेशनल लेवल के एग्जाम में हमारे जो बच्चे हैं इस इंस्टीट्यूशन के, वो सारे फहरिस्त होने चाहिए। ये मेरा जो है वो प्रिंसिपल साहब की तरफ जो है वो एक इशारा है, मुझे यकीन है कि वो इस पे काम करेंगे। और स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हो, वो सब जो है वो प्रमोट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक बार फिर मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह का इस्तकबाल आपने किया, मैं अपने जज्बात को बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत बहुत मंजूर साहब, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी, टीचर्स और सबसे अहम और जरूरी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको जैसा पहले मैं इंडियन आर्मी को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, एक उन्होंने वो एक मौजू टच किया जिसकी इन कश्मीरी बच्चों को शिद्दत की जरूरत थी, जो इन्होंने कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम यहाँ रखा, जिसमें क्योंकि 10th और क्लास में बच्चा इन स्टेट ऑफ दिल्ली में होता है कि उसका फ्यूचर क्या हो जाए। लेकिन हमारे को लगता है कि जितने भी यहाँ आउटसाइड हमारे कश्मीर के बाहर अपॉर्चुनिटीज हमारे को आज आ गई, जितने भी मैनेजमेंट मुख्तलिफ कॉलेजों से यहाँ आ गए हैं, इसमें अपने आप सीख अपना फ्यूचर कर सकते हैं। के लिए एडवाइजिंग कमेटी एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द एंटायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस व्हिच आर कम हियर टुडे, Also the civil administration and all stakeholders in coordination with the Indian Army have organized this unique one of its kind festival in North Kashmir, the Education Festival. My compliments to all of them for organizing this grand event. The amount of students which have come
and the overwhelming response which has been shown by all of them from North Kashmir had made this place vibrant, lively and full of life. This future of North Kashmir, I can see, is sitting in front of me, and I am sure you all will benefit from this grand festival which has been organized just for the students of Kashmir Valley. साल पहले से कश्मीर के बच्चे वहाँ आना शुरू हुए, वहाँ से हमारी निस्बत बेंगलोर की और गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की कश्मीर के साथ है और उसका वाबस्तगी बहुत गहरी है। फेस्टिवल है ये, एक एजुकेशन फेस्टिवल नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए उनका फ्यूचर, उनका होप, उनकी ड्रीम्स इनके डोरस्टेप तक यहाँ तक आई हैं। सारे कॉलेजेस जो बाहर से आए हैं ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बच्चों को, जो कि नॉर्मली यहाँ पे नहीं मिलती। इतनी सारी स्कॉलरशिप्स जो एक्सटेंड हुई हैं 50 लाख से ऊपर, ये सब नॉर्थ कश्मीर के हमारे एरिया के बच्चों के लिए है और मुझे यकीन है कि हमारे बच्चे इस फेस्टिवल से पक्का बेनिफिट होंगे। और हर एक साल मैं गुजारिश करूंगा कि आने वाले ऑर्गेनाइज़र्स, सारे कॉलेजेस इस इवेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हमारी जो फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं, उनका बहुत ही बेनिफिट और लाभ हो।